ग्राहम पोर्थ ने सायम करण के बेहतरीन ऑलराउंडर बनने के पीछे बताया महेंद्र सिंह धोनी का हाथ बता दिया है बड़ा बयान नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के और नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ग्राहम पोर्थ ने सायमकरण के ऑलराउंडर बनने के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ क्यों बताया और क्यों दिया है बड़ा बयान तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों इंग्लैंड के स्टैंक इन कोच ग्राहम पोर्थ का मान है कि ऑलराउंडर सायकरण का इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल पी की आई के टीम चेन्नई सुपरकिंग के साथ खेलना तेईस वर्षीय खिलाड़ी के एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में उभरने का कारण है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज एक जुलाई को दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका शीर्ष और मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया है सामकरण ने अड़तालीस रन देकर पाँच विकेट झटके हैं और इस आंकड़े के साथ इंग्लैंड को सात ओवर में शेष रहते हुए आठ विकेट ऐसी जीत दर्ज करने में मदद की है पूर्व क्रिकेटर ने शुक्रवार को क्रिकेट इन्फो को बताया कि मुझे लगता है कि आई ने एल करण को बहुत मदद की है जिसमे जिस भी हालत में और माहौल में खेले हैं उससे प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और प्रदर्शन करने की तरीका खोजने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं उस दृष्टिकोण से आई में खेलने से उन्हें उच्च स्तर पर रखा गया है थॉर्प का मानना है कि की करण जिस तरह से फॉर्म में है इस साल के अंत में यू में होने वाले आई पी ट्वेंटी विश्व कप में भी इंग्लैंड के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं थॉर्प ने कहा की बल्ले ऐसी उनकी हिट करने की क्षमता हमेशा थी मुझे लगता है की वास्तव में एक अच्छे पर आगे बढ़ने और आई में महत्वपूर्ण समय पर गेंदबाजी करते रहने में तेईस वर्षीय उम्र के इस गेंदबाज को वास्तव में अच्छे अनुभव मिले हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या स्वयंकरण महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में कुछ अच्छा सीख पाए हैं या नहीं आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों आज की अपडेट में से नहीं मिलता नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार